Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son. Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. खुदाम की सलामती आप सब के साथ हो। आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर डिवाइन मर्सी का संडे मनाते हैं। मैंने सोचा कि आपके साथ आज की रिफ्लेक्शन शेयर की जाए। आज की अंजील मुकद्दस मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 20 बाब 19 से 31 आयत तक। और उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त, जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पास शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ करो, उनके मुआफ किए गए हैं। जिनके गुनाह तुम कायम रखो, उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक, यानी तोमा उर्फ दिदुमुस, यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं,
हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे तो भी यसु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहां दाखिल कर और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुतकिन नहीं बल्कि मुतकिन बन। तो तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में नहीं लिखे गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अलमसीह इब्ने खुदावंद है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। अंजील पाक के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाए। आज की अंजील मुकद्दस बहुत ही खूबसूरत है। इसमें हमें डिफरेंट करेक्टर्स नजर आते हैं। आज के अंजील में हमने देखा कि शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद एक कमरे में बंद हो गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह बार बार उन पर जाहिर होते हैं, लेकिन उनके ऊपर फिर भी एक खौफ तारी है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। आज मैं दो चीज़ों पर गौर और खौस करूँगा। पहली ये कि कब्र, खुदावंद यीशु मसीह एक कब्र वो है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह को दफन किया जाता है और वहाँ पर अंधेरा होता है और उस कब्र में बहुत ज़्यादा लाइट होती है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उस में से ज़िंदा होते हैं। और दूसरी कब्र कौन सी है? वो कब्र ये है कि जहाँ शागिर्द इकट्ठे हो गए थे, उस कमरे को जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए, उनको तालीम दी, उनके साथ रोटी तोड़ी, वो कमरा एक कब्र की तरह हो जाता है। उसमें अंधेरा, खौफ आ जाता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनमें दाखिल होते हैं और उनको कहते हैं, तुम्हें सलामती हासिल हो। आज की अंजील में हमने 3 मरतबा ये सुना है कि तुम पर सलामती हासिल हो, तुम पर सलामती हासिल हो। इसका क्या मतलब है? खुदावंद यीशु मसीह आज हम सबको ये कहते हैं कि तुम पर सलामती हासिल हो। सलामती का मतलब क्या है? सलामती का मतलब ये नहीं है कि जितनी भी तकालीफ हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती ऐसी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह जब कहते हैं कि अपनी स्लीप उठा और मेरे पीछे खो ले तो तुम्हें ज़िंदगी का ताज मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी तकालीफ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह कम्फर्ट की तो गारंटी नहीं देते कि अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो जितनी भी तकालीफ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो वो गलत है। लेकिन हाँ, खुदावंद यीशु मसीह एक चीज़ कहते हैं कि तुम्हें सुकून मिलेगा, मेरी पैरवाई करके तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें अबदी ज़िंदगी मिलेगी। ये खुदावंद यीशु मसीह इस चीज़ का दावा करते हैं कि ज़िंदगी मैं हूँ। और इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह आज शागिर्दों को के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि तुम पर सलामती हासिल हो, कि जितना भी खौफ है इसको निकालो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। अब खुदावंद यीशु मसीह उनका एक और मिशन दे रहे हैं और इस खौफ के नीचे ये सलामती का मकसद है
कि तुम हैं इस डिस्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी तुम्हें एक सुकून मिलेगा। और उस फिर दोबारा अगर हम खुदा यीशु मसीह को सेकंड एडम के तौर पर कहा जाता है उसका, अब यहाँ पे हम एक ख़ास और ज़ाहरी तौर पर निशान देख सकते हैं। खुदा ने जब आदम को पैदा किया तो उसके नथनों में जिंदगी का दम फोंका, और इसी तरीके से खुदा यीशु मसीह जब दाखिल होते हैं तो क्या करते हैं कि लिखा है उसने ये कहकर उन पर फोंका और कहा कि तुम रूल कुछ लो। फोंका यही निशानी है जब तकवीन की किताब में हम देखते हैं कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो फोंका। इसी तरह खुदा यीशु मसीह आज शागिर्दों के पास आते हैं और फोंकते हैं और उनको रूल कुछ देते हैं, कहते हैं कि ये लो रूल कुछ लो और जाओ, इस डर से इस खौफ से बाहर निकलो। और इसी तरीके से हमें भी इस डर से इस खौफ से जितने भी मुश्किलात हैं खुदा यीशु मसीह हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि ये लो रूल कुछ लो। और खुदा यीशु मसीह हमारे पास आकर भी कहते हैं कि तुम्हें सलामती हासिल हो। ये बात सिर्फ शागिर्दों के लिए नहीं है, ये कलाम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये कलाम हमारे लिए है, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी के लिए है कि हम इसमें से जो इसका फरूट है वो हासिल करें। और आज हम सब के पास, हमारे भी उसी तरीके से कमरे हैं, इनर रूम इनर सेल्फ, जिसमें बहुत ज़्यादा खौफ भरा हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा डर भरा हुआ है। हम उन शागिर्दों से डिफरेंट नहीं है। उस वक्त तो एक अलग सिचुएशन थी ना कि उनको ये था कि जो यहूदी हैं वो हमें आकर मार देंगे, लेकिन हम अब इस वक्त में हमें और किस्म के डर हैं। तो हमें आज उन तमाम खतरों से बाहर निकलना है, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने अंदरूनी जो कमरे हैं उनको खोलते हैं या नहीं। Do we allow Jesus to come in? क्या हम खुदा यीशु मसीह को इस चीज़ का चांस देते हैं कि वो आए, हम में बसें और हमसे हम कलाम हों? और तोमा रसूल वो क्या कहता है कि जब शागिर्द दूसरे शागिर्द उसको कहते हैं कि हमने खुदा को देखा है तो वो यकीन नहीं करता। इसमें बुरी बात नहीं है, डाउट्स जब हम करते हैं नथिंग रॉन्ग, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह उसके पास आता है और ये कहता है मेरे जो ज़ख्म हैं उनको देख, तो वो क्या कहता है, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तू ही मेरी ज़िंदगी का हामी और नासिर है, यू आर द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। वो सब चीज़ों से बरतरी खुदा को देता है। इसी तरीके से आए हम भी बरतरी खुदावंद को दें, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस खुदावंद को दें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुदावंद के साथ गुजारें, ताकि ये जो दिन हैं हम अच्छे तरीके से खुदावंद की हजूरी में गुजार सकें। रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, जैसे कि हम कोरोना में गुजार रहे हैं, क्वारंटीन में गुजार रहे हैं, अगर हम देखें तो हमारी भी सिचुएशन इन शागिर्दों के जैसी है। हम खौफ की वजह से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद होता है जहाँ पे लोग अपने आप को तैयार करते हैं। ये शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे वादा किया था
क्या हम भी इस बात पर मुतमईन हैं कि खुदा यीशु मसीह हमारे पास रोज़ आते हैं? अगर आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल में जो ली गई है उसमें हम देखें तो लिखा है कि वो एक कम्युनिटी में थे और जो कुछ भी था वो शेयर करते थे। तो आज हम फैमिलीज के साथ, आज हम अपने ख़ानदानों के साथ इस प्यार को शेयर करें। चूँकि हम अंदर बंद हैं, हम घरों में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद हमारे पास आता है और ये हर एक चीज़ हम पर मुनहसर करती है। Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son. Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body. Jesus Christ,
love is sorrowful passion.